दिल्ली एनसीआर में इस बार सर्दी का सितम दोहरा हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में ना केवल कड़ाके की ठंड पड़ेगी बल्कि आपको जगह जगह सफेद चादर कोहरे की नजर भी आने वाली है। दिखाएंगे आपको आगे कि आज गुरुग्राम में सर्दी के सितम के साथ साथ किस तरह से कोहरे का कहर बरस रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलने वाले हैं तो थोड़ा सा सावधानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, क्योंकि आज आपको गुरुग्राम में भारी कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि गुरुग्राम में आज ना केवल ठंड है बल्कि कोहरे की घनी सफेद चादर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आज सुबह सुबह गुरुग्राम में जब कोहरा बढ़ा तो उसके बाद सड़कों पर गाड़ियां बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रही है, जिसकी वजह से ऑफिस आने जाने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह ना केवल ठंड बढ़ेगी बल्कि इसी तरह कोहरा भी लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ना लाजमी है। आज भी अगर गुरुग्राम में कोहरे की बात की जाए तो विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पर धीमी गति से चल रही है और इसी की वजह से सड़कों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। इस तरह के हालातों में, इस तरह के मौसम में आप लोगों को बेहद ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप सड़कों पर कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो उस दौरान विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और इसकी वजह से सड़क हादसे होने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोगों को सावधानी बरतनी है और घर से निकलने से पहले आप अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स चेक कर लें, इसके अलावा डिपर्स चेक कर लें, इसके अलावा वाइपर्स आप जरूर चेक करें, क्योंकि सर्दी के समय में गाड़ियों के शीशों पर धुंध जम जाती है, ओस जम जाती है, जिसकी वजह से सड़क पर सामने देखने में कई समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए जब आप अपनी गाड़ी को घर से लेकर निकले तो उस दौरान इन चीजों को पूरी तरीके से चेक कर ले और जब ये आपकी गाड़ी में दुरुस्त हो उसके बाद ही आप ड्राइविंग पर निकले, क्योंकि कोहरे में गाड़ी चलाना बेहद ही मुश्किल होता है और ऐसे में आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स और डिपर्स आपको गाड़ी चलाने में काफी हद तक मदद करते हैं और सड़क हादसों पर रोक लगाने में भी ये कामयाब होते हैं। ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी लगातार शहर में एक अभियान चला रही है, जिसमें वो जो टैक्सी नंबर्स हैं, जो ऑटोज हैं, बाइक सवार हैं, जो साइकिल्स हैं, उन पर रिफ्लेक्टर्स लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि पीछे से आ रही गाड़ी की जो हेडलाइट्स ऑन होंगी तो उसकी वजह से सामने चल रहे गाड़ी के बारे में पता लग जाएगा और रिफ्लेक्टर्स पर जब लाइट पड़ेंगी तो वो चमकेंगे, जिसकी वजह से हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप जब सड़कों पर निकले इस कोहरे में तो आप बेहद ही सावधानी से ड्राइव करें, अपनी भी जिंदगी सुरक्षित करें और दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित करें, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर समेत गुरुग्राम में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, साथ ही साथ कोहरे का प्रकोप भी इसी तरह बढ़ेगा। तो वहीं कोहरा बढ़ने के साथ साथ गुरुग्राम का प्रदूषण भी आज खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में आज के अगर प्रदूषण स्तर की बात की जाए गुरुग्राम में, तो आज का प्रदूषण स्तर 380 के पार पहुंच चुका है, जो कि एक खतरे का निशान है। और अगर ये AQI लेवल 400 के पार पहुंच जाता है तो उसके बाद ग्रैब के नियमों की दोबारा से पालना करनी होगी, प्रशासन उसको दोबारा से लागू कर सकता है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन पर धूल उड़ाने पर, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को ना केवल ठंड से बचना है बल्कि इस कोहरे से भी अपनी सुरक्षा करनी है, खासकर जब आप सड़कों पर गाड़ी ड्राइविंग करते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी जानकारी सभी लोगों तक सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।